तो दोस्तों वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उल्लू की नई वेब सीरीज खुंस का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 में आप लोगों ने देखा कि ये खूंखार जानवर यानी गौतम सीढ़ियों पर बॉल फेंकता है ताकि देविका और देविका के पेरेंट्स को लगे कि गौतम यहाँ से चला गया है, और जैसे ही वो गेट खोले वो इनको गोली मार दे और एपिसोड 1 वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 2 में देविका और इसके पेरेंट्स को यही लगता है कि खून यहाँ से चला गया है क्योंकि अभी अभी उन्होंने सीढ़ियों की आहट सुनी है। और दोस्तों जब ये बाहर आने के लिए गेट खोल रहे होते हैं तो अचानक से मैन डोर पर इनको बैल की आवाज़ सुनाई देती है। गौतम देविका को बोलता है कि देविका तुमने पुलिस को बुलाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। इस बात को सुनकर देविका और ज्यादा घबरा जाती है और गौतम को बोलती है कि गौतम हमने पुलिस को नहीं बुलाया है, मुझको नहीं पता गेट पर कौन खड़ा है। अब गौतम इस बात का पता लगाने के लिए कि गेट पर कौन है और जैसे ही गेट ओपन करता है तो यहाँ पर देविका की फ्रेंड यानी नेहा और इसका बॉयफ्रेंड हाथों में गुलदस्ता लिए खड़े हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। अब नेहा और इसका बॉयफ्रेंड गौतम के हाथ में बंदूक देखकर डर जाते हैं। फिर गौतम इन दोनों को अंदर आने के लिए बोलता है और जैसे ही लोग अंदर आते हैं तो इनकी नजर मनोहर की लाश पर पड़ती है जिसको देखकर ये डर से कांपने लगते हैं। अब ये दोनों इसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और इसको बोलते हैं कि हमको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लीज हमको जाने दो, हम बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। तो गौतम इनको बोलता है कि चुपचाप यहीं बैठे रहो। अब यहाँ देविका को पता होता है कि गौतम नीचे है और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के रूम में आने के लिए गेट खोलती है तो गौतम को आवाज आ जाती है और वो जैसे इसको मारने के लिए ऊपर भागता है तो इससे पहले कि वो उसको मार पाए वो अपने पेरेंट्स के रूम में आ जाती है। अब अचानक से नेहा का बॉयफ्रेंड नेहा को भागने के लिए बोलता है और जब ये लोग गेट खोलने के लिए भागते हैं तो गौतम इसके बॉयफ्रेंड में गोली मारकर इसकी हत्या कर देता है। अब यहाँ पर नेहा अपने बॉयफ्रेंड की मौत को देखकर इतना डर जाती है कि वो नीचे से भी गीली हो जाती है और वो गौतम के सामने हाथ जोड़ने लगती है और रोकर इसको बोलते हैं कि प्लीज मुझको जाने दो, मुझको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो गौतम इसके साथ सेक्स करने के लिए बोलता है तो ये अपनी जान बचाने के लिए गौतम के साथ सेक्स करने के लिए भी मान जाती है और अपने कपड़े उतार लेती है। लेकिन गौतम यहाँ पर किसी के साथ सेक्स करने के लिए नहीं आया, गौतम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खून खराब करने के लिए आया और वो इसको कपड़े पहनने के लिए बोलता है, फिर ये कपड़े पहन लेती है। अब गौतम नेहा को ऊपर लेकर आता है ताकि वो इसके जरिए देविका से गेट खुलवा सके। अब नेहा देविका को हैप्पी बर्थडे बोलती है तो देविका नेहा से पूछते हैं कि नेहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तो ये इसको बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं आया है क्योंकि उसको कहीं जाना पड़ गया था। अब देविका के डैड नेहा से पूछते हैं कि नेहा बेटा क्या तुम्हारे साथ गौतम है, दरअसल गौतम हमारा ड्राइवर था जिसने एक दिन देविका के साथ बदतमीजी की थी और इसी वजह से हमने उसको नौकरी से निकाल दिया है और आज उसने हमारे नौकर को भी मार दिया है। अब अचानक से गौतम गुस्से से बोलता है कि हरामजोत ये अमीर लोग हैं, इनको सिर्फ अपनी जान प्यारी है, दुनिया चाहे ऐसी तैसी मराए, और वो इन लोगों को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने गेट नहीं खोला तो वो नेहा को गोली मार देगा। फिर ये नेहा को गोली मारने के लिए नीचे लेकर आता है और दोस्तों इस वेब सीरीज का एपिसोड 2 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा अगले इसके एपिसोड 2 में, क्या ये नेहा को गोली मार देगा, जानने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन जरूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।